चाहे वो SD1 हो, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे वो SD2 हो, थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन पूछा जा रहा है। मतलब लोग प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, बट यार उसको विद इन द गिवन टाइम में सॉल्व करना, इंटरव्यू है तो 1 घंटे में सॉल्व करना, अगर पहला ऑनलाइन राउंड है तो यार उसी 1-1.5 घंटे में सॉल्व करना है, वो सब चीजें अच्छे से आनी चाहिए। अपनी CGPA जितनी हाई रख सकते हो प्लीज हाई रखने की कोशिश करना, बिकॉज CGPA के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हो रही है। यू गेट रेडी, अपना रिज्यूमे जैसा है वैसा लिंक्डइन प्रोफाइल रेडी करो, रिक्रूटर्स अपने आप आने शुरू होंगे। हाय, मायसेल्फ पारिक हियर। सर, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रेटेजी गाइड फॉर येट अनदर ग्रेट कंपनी, दैट इज Uber। सो यार, Uber एक अमेजिंग कंपनी आई थिंक, जिसने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। इधर से उधर जाना आई थिंक वी ऑल गेट टू यूज बाय Uber, है ना, और बहुत अच्छा कर रही है कंपनी, और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत ही सही कंपनी है टू वर्क फॉर। दो चीजें, एक तो पहली बात वर्क कल्चर बहुत सही है, कंपनी बहुत सही कर रही है, एंड दूसरी चीज इसका CTC भी बहुत सही है, 31-37 LPA रेंज करता है, जिसमें से बेस ही 18-25 LPA है फॉर SD1, है ना, तो आई थिंक अमेजिंग है। अगर 18 LPA बेस की बात करूं तो एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज इन इंडिया ये काफी सही है ना, वन ऑफ द हाइएस्ट पेड कंपनीज है, तो सब कुछ अच्छी चीजें मिल रही है हमें। अब उस कंपनी को हमें कैसे फोड़ना है उसके बारे में मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। फॉर एवरी काइंड ऑफ पीपल, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, SD1, SD2, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, पूरी एक स्ट्रैटेजी गाइड डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मैं 4 चीजों पर फोकस करता हूँ। फर्स्ट इज द प्रिपरेशन टिप्स, सेकेंड इज द रिज्यूमे टिप्स, थर्ड इज द एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे अप्लाई करा, एंड लास्ट इज इंटरव्यू राउंड कैसे होते हैं, है ना, ये चारों चीजों के बारे में बताता हूँ। और बेसिकली मैंने ये चीजें और कंपनीज के लिए भी बनाई हुई है, Amazon, Microsoft, Google, गोल्डमैन सैक्स, डीश, और उनका लिंक भी मैं डलवा दूंगा, वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो। और ये चीजें मैं लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख के निकालता हूँ, है ना, और वो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां जाके भी तुम डिटेल में पढ़ सकते हो, बट उन सबके कॉस्टिंग एक समरी में निकाल के लाता हूँ जो मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो ऐसी और कंपनीज के भी हैं, अच्छे से तुम्हारे को पता लग जाएगा कि कोई भी चीज तुम मिस तो नहीं कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, अपने रिज्यूमे में अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ अच्छे से आइडिया लग जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक दिस कंपनी लाइक Uber, है ना। सो हम बस तुमसे एक चीज चाहते हैं, अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को मिस मत करना, ये इन चीजों से हमें सपोर्ट मिलता है, एंड वी सपोर्ट यू बाय गाइडिंग यू थ्रू डिफरेंट वीडियो जो भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अब स्ट्रैटेजी गाइड फॉर कंपनी लाइक Uber, एंड सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। तो उन इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाले लोगों ने क्या कहा और मैंने जो पढ़ा उससे मैंने क्या निकाला, सबसे पहला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो डेटा स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स है, आई थिंक मैं हर कंपनी के लिए बोलता हूँ, ये तो बहुत क्रिटिकल पार्ट है, एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ये सब चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसके बिना नहीं निकलेगा इंटरव्यू, नहीं निकाल पाओगे कंपनी, है ना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज सबने बोला यार टाइम टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लोग प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, बट यार उसको विद इन द गिवन टाइम में सॉल्व करना, इंटरव्यू है तो 1 घंटे में सॉल्व करना, अगर पहला ऑनलाइन राउंड है तो यार उसी 1-1.5 घंटे में सॉल्व करना है, वो सब चीजें अच्छे से आनी चाहिए। अगर तुम टाइम टेस्ट नहीं दे रहे हो तो मिस कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, तो प्लीज मेक श्योर यू आर डूइंग टाइम टेस्ट। थर्ड इज OS, DBMS, OOPS जैसे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं बीच बीच में, तो प्लीज उनको मिस मत करना। एंड लास्ट पॉइंट इज विच इज वॉज वेरी डिफरेंट इज सिस्टम डिजाइन पूछा जा रहा है, चाहे वो SD1 हो, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे वो SD2 हो, थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन पूछा जा रहा है। जो SD1 है और इंटर्नशिप है उसमें लो लेवल सिस्टम डिजाइन पूछा जाता है, और जो SD2 है ऑब्वियसली उसमें हाई लेवल सिस्टम डिजाइन पूछा जाता है, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम सिस्टम डिजाइन की थोड़ी चीजें पढ़ रहे हैं, है ना। एंड इन सब चीजों के लिए रिसोर्सेज हमारे पास सब कुछ है, हमारे कोड स्टूडियो पे सब कुछ है, OS के लिए, DBMS के लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, वहां जाके तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, इन सब चीजों को सीख सकते हो, जो भी इन प्रिपरेशन टिप्स में मेंशन है उनकी तुम अच्छे से वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो आई थिंक प्रिपरेशन टिप्स हमारी सब कुछ कवर्ड है, टाइम टेस्ट देना है हमें, बेसिकली DSNL को में अच्छा होना है हमें, OS, DBMS अच्छे से करना है, और हमें सिस्टम डिजाइन पे भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गई प्रिपरेशन टिप्स की बात। दूसरी बात हुई रिज्यूमे टिप्स की, है ना, रिज्यूमे में हमें क्या ध्यान रखना है। ठीक है, रिज्यूमे में सिंपल सा बोला था, सिंपल रखना है रिज्यूमे, जो भी तुम स्किल्स लिख रहे हो, जो भी तुम अपने प्रोजेक्ट्स लिख रहे हो, उनको रेलिवेंस के ऑर्डर में लिखो, ऐसा मत करो कि जो प्रोजेक्ट अच्छा है उसको थोड़ा नीचे कर दिया, उन चीजों को जितना ऊपर रख सकते हो उन चीजों को ऊपर, जो भी तुम्हारी बेस्ट चीजें उनको जितना ऊपर रख सकते हो उतना ऊपर रखो। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, फालतू की चीजें मत करना, है ना, ये सब गलतियां मत करना, ये सब बहुत गंदा लगता है, बचकानी हरकतें लगती हैं। सो रिज्यूमे को सिंपल रखो, एक पेज का रखो, ज्यादा जो भी चीजें करी हुई है, 2 प्रोजेक्ट है तो 2 प्रोजेक्ट इनफ है, अच्छे हो, डिटेल्ड हो, उनका टेक्स्ट टैग क्या यूज करें अच्छे से बताएं वो, ये सब चीजें भी अगर हो रही है तो तुम्हारा रिज्यूमे कंप्लीटली रेडी है, जितना भी करना था वो हमने कर चुके हैं।
एंड एक और चीज मैं बोलूंगा, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल थोड़ी मेंटेन करो, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं, एप्लीकेशन प्रोसेस मोस्टली ऑफ कैंपस लोगों ने लिंक्डइन के थ्रू निकाली है। तो जो भी तुम रिज्यूमे में लिख रहे हो उन चीजों को लिंक्डइन पे भी मेंशन करने की कोशिश करो। ऊबर के जो रिक्रूटर्स हैं, एचआरस हैं, वो रेगुलरली लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते रहते हैं लोग। तो प्लीज अपना रिज्यूमे जैसे है वैसे ही अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी मेंटेन करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी मैं इसी में तीसरे स्टेप पर आ रहा था, एप्लीकेशन प्रोसेस में ऑन कैंपस हो गया या ऑफ कैंपस हो गया। देखो ऑन कैंपस में एक चीज बोलूंगा मैं, थोड़ा सीजीपीए शॉर्टलिस्टिंग है ना, 8 CGPA एंड अबव भी थी कॉलेज में, तो अपनी CGPA जितनी हाई रख सकते हो प्लीज हाई रखने की कोशिश करना, बिकॉज CGPA के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हो रही है। और दूसरी बात, ऑन कैंपस में ऑब्वियसली बाकी चीजें नहीं है, CGPA के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग है, बाकी वही DS एनालगो के राउंड्स होते हैं। जो ऑफ कैंपस है, मैंने अगेन बोला लिंक्डइन से काफी रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, करियर पेज से रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, तो ऊबर का करियर पेज, लिंक्डइन के रिक्रूटर्स, उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहो, बट जब प्रिपरेशन कर लो उसके बाद उन्हें कॉन्टैक्ट करना। लोग यही गलती करते हैं, प्रिपरेशन है नहीं, रिज्यूमे अच्छा है नहीं, अभी से लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दिया। नहीं, यू गेट रेडी, अपना रिज्यूमे जैसा है वैसा लिंक्डइन प्रोफाइल रेडी करो, रिक्रूटर्स अपने आप आने शुरू होंगे, है ना। वेट करो, आएगी अपॉर्चुनिटी, बट रिक्रूटर्स रीच आउट करते हैं, उनको मेल करो, करियर पेज पे अप्लाई करो, हाथ पांव मारते रहो, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी आएगी, है ना। बस मैं यही बोलूंगा, CGPA थोड़ी ठीक रखना और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन कर लेना। जो भी ऑफ कैंपस निकाला है उसने लिंक्डइन रिकमेंड करा है, तो प्लीज मेक श्योर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करो, ठीक है। तो हमने तीनों चीजें डिस्कस कर ली, प्रिपरेशन टिप्स, रिज्यूमे टिप्स और एप्लीकेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं इंटरव्यू राउंड्स के बारे में। इंटरव्यू राउंड्स काफी क्रिटिकल है। तो यार जो फर्स्ट कोडिंग राउंड है वो तो ऑनलाइन राउंड ही होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह दूसरी चीज से हुई नहीं है। एक जगह हैकर अर्थ पे टेस्ट हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन राउंड में आया वही सब है, डीएस एंड एल्गो के क्वेश्चंस आए हैं, किसी पे कोड सिग्नल एक करके प्लेटफॉर्म है उस पे टेस्ट हुआ है, आया वही है डीएस एंड एल्गो के क्वेश्चंस। तो प्लीज टाइम टेस्ट देना जो वो था वो बहुत क्रिटिकल है, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। हैकर अर्थ हो गया, कोड सिग्नल हो गया, इन सब चीजों पर टाइम टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इंटर्न में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, SD में 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो प्लीज उन चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट कोडिंग राउंड में हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं सारे टेस्ट केसेस पास करने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट राउंड तो हो ही गई और वो ऑनलाइन कोडिंग राउंड होगा, है ना। हो सकता है तुम्हें लिंक मिल जाए कि तुम्हारे घर पे बैठ के दे रहे हो तुम, हो सकता है बेसिकली तुम्हारे ऑन कैंपस हो रहा है तो सबका एक साथ होगा, वैसी वाली चीज है, बट सबका फर्स्ट राउंड तो ऑनलाइन कोडिंग राउंड ही होने वाला है, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे SD2 हो, चाहे SD1। पहला राउंड तो कोडिंग राउंड होगा। अब उसके बाद होते हैं नेक्स्ट फ्यू राउंड्स, है ना। इंटर्नशिप में 2 राउंड्स होते हैं, फुल टाइम में 3 राउंड्स होते हैं, इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। देखो एक इंटरव्यू राउंड एटलीस्ट तो डीएस एंड एल्गो पे होना ही होना है, पूरा उस पर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पूछे जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वाले डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं, यही वाले डेटा स्ट्रक्चर्स, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो मैंने देखा है उन्होंने एरेस के क्वेश्चन ही पूछे हैं, बट लॉजिकल वाले पूछे हैं, है ना। उसमें स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम लगेगी थोड़ा सा, मतलब लॉजिक वाइज ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स डीप में नहीं, बट क्या वो सॉल्यूशन सोच पाता है, क्या वो बेस्ट अप्रोच पे पहुंच पाता है, इन चीजों पे ज्यादा फोकस था डीएस एंड एल्गो के राउंड में। एंड ऑब्वियसली इसके अलावा जो बाकी राउंड से SD2 में ऑब्वियसली हाई लेवल सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन हुआ था, तो उस चीजों पे थोड़ा फोकस करना है। जो तुम्हारे SD1 था, इंटर्नशिप था, उसमें लो लेवल सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन पे पूछा गया था, तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है। होएगा कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा, है ना, वो OS and DBA में से पूछा जा सकता है या लो लेवल सिस्टम डिजाइन भी पूछा जाता है, बट पक्का पूछा जाएगा कुछ ना कुछ डीएस एंड एल्गो के अलावा। ऐसा नहीं है केवल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज तो पूछी जाएगी ही जाएगी। प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन होगा, SD2 में तो स्पेशली होगा क्योंकि तुम पुराना एक्सपीरियंस होगा, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस होगा, तो उसको मिस नहीं करना। तुम्हारे पास अगर इंटर्नशिप्स होगी तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, बिकॉज फिर वो इंटर्नशिप पर डिस्कशन करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला है कि इंटर्नशिप्स का अगर हम अच्छे से कर सकते हैं, जितनी अच्छी रख सकते हैं उतना ज्यादा हमें फायदा होगा बिफोर अप्लाइंग फॉर अ फुल टाइम रोल, ठीक है। तो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का ऑलवेज हमेशा फायदा होता है। तो इंटरव्यू राउंड्स में यही है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, सिस्टम डिजाइन, OS DBMS कुछ ना कुछ करके पूछा जा रहा है, ग्रिल डाउन करा जाएगा एंड पूछा जाएगा। अब इसके बाद होता है एक HR राउंड, वो काफी क्रिटिकल होता है। HR राउंड में पूछा जाता है कि तुम्हें ऊबर क्यों ज्वाइन करनी है, ऊबर की क्या बेस्ट चीज तुम्हें लगती है, अगर तुम्हारे को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना हो, बैंगलोर नहीं लेना, हैदराबाद लेना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो तुम्हें थोड़ा सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। HR राउंड में तुम्हारा थोड़ा एटीट्यूड चेक करा जाएगा, तो उस चीज को लाइटली मत लेना। तुम्हारे HR राउंड में प्रोजेक्ट डिस्कशन भी हो सकता है, हो सकता है कुछ टेक्निकल चीजें पूछ लें वो, कि तुम कैसे बता पाते हो, आर यू एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली और नॉट, कि तुम्हारे बताने के तरीके में वो ईगो तो नहीं है ना, कुछ चीजें तुम्हारे को थोड़ी सी चुभने वाली चीजें पूछी जाएंगी तो तुम ज्यादा दिल पे तो नहीं ले जाते हो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं।
आई थिंक ये चीजें एचआर पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है, अपना एटीट्यूड लाइट रखना है और अच्छे से उसको देना है, ठीक है। सो ये हो गया पूरा ओवरऑल इंटरव्यू राउंड, ऐसे ऐसे चलते हैं। आई थिंक ये चीजें काफी क्रिटिकल रोल प्ले करेंगी तुम्हारे इंटरव्यूज क्रैक करने में। मैंने पूरा एकदम अच्छे से बता दिया है शुरू से लेकर एंड तक कि सबसे पहले प्रिपरेशन टिप्स, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, डीएसएन एल्गो, टाइम टेस्ट, हमें OSDB, हमें सिस्टम डिजाइन की अच्छे से तैयारी करनी है। दूसरी बात रिज्यूमे में हमने क्या ध्यान रखना है वो भी मैंने बता दिया, वो तो काफी कॉमन है, सिंपल रखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, रेलिवेंस ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात एप्लीकेशन प्रोसेस में, ऑफ कैंपस में लिंक्डइन काफी क्रिटिकल है, उस चीजों का हमें ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट में हमने इंटरव्यू राउंड्स में बोला कि भाई फर्स्ट कोडिंग राउंड ही होता है, तो टाइम टेस्ट की अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छे से हम कोडिंग राउंड को फोड़ पाएंगे, है ना। ये सब चीजें आई थिंक हमने कवर कर ली। बाकी इंटरव्यू राउंड में DSNL को ही होगा, HR राउंड होगा, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर इन चीजों का ध्यान रखते हो तो Uber जैसी कंपनी हम निकाल पाएंगे, ठीक है। आई थिंक ये काफी सिमिलर है और बाकी कंपनी से भी जो मैंने बना रखी है जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन में एड ऑन कर लो और अच्छे से तैयारी करते रहो। एक ना एक दिन आएगा बहुत अच्छी कंपनी निकालोगे। इन सारी कंपनी में कोई सी भी कंपनी निकालते तो तुम्हारी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। सो लोड नहीं लेना। अब तुम्हारी कोई और नेक्स्ट कंपनी की रिक्वायरमेंट है, अभी मैंने Uber की भी बना दी है, कोई और कंपनी की रिक्वायरमेंट है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रियली हैप्पी टू मेक दैट। सो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। तुम्हारे को लगता है मैं इन वीडियोस में कोई पॉइंट मिस करता हूं जो मुझे ध्यान रखना चाहिए, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि यार इस चीज का प्लीज इस पर थोड़ा और एलैबोरेट कर दिया करो, इस चीज पर थोड़ा और बता दो, मैं ध्यान रखूंगा एंड मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो चीज कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट बस तुमसे ये है, लाइक एंड शेयर कर देना वीडियोस को, हमें सपोर्ट मिलता है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से फोड़ो और जब जॉब लगे तो ध्यान रखना कि यार हमने थोड़ी सी गाइडेंस करी थी, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करोगे। ओके, गुड लक।